हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे भेल। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि पूछो मत। सो ये हमने लिए फ्राइड राइस, आई मीन मुरमुरे, मिक्स नमकीन, बॉईल किया हुआ आलू, कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, और थोड़ा सा हमने नमक लिया है, चाट मसाला, लेमन जूस और कोरिएंडर लीव्स, आई मीन धनिए की पत्ती। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मुरमुरे हैं इसके अंदर आलू प्याज टमाटर को डालेंगे। प्याज को डाल दिया, आलू को, टमाटर। अब इन सबको हम मिलाएंगे। सी एवरीवन, हमने इन सबको मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास नमकीन है उसको। अब इसको भी हम मिला लेंगे पहले। अब हम इसके नमक, और जो चाट मसाला लिया है वो, और साथ में जो नींबू का रस लिया है उसको, और अब हम इन सबको हाथ से मिलाएंगे। तब से तो हम स्पून से मिला रहे थे, अब हम हाथ से अच्छे से इनको मिलाएंगे। सी एवरीवन, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। ये हम जब बनाते हैं, जब छोटी छोटी हमें भूख लगती है तो हम सोचते हैं क्या खाएं, तो ये झटपट बन जाते हैं। ओनली 2 मिनट्स लगती हैं इसको बनाने में, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। सो ये एकदम बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे ऐसे, और अब ये आई मेरे मुंह के अंदर। वाओ, काफ़ी टेस्टी बनी है। नमक एकदम एकदम से बराबर डला है, और लेमन जूस भी। सो ये काफ़ी अच्छी बनी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, और देखने में भी लुक भी कितना प्यारा लग रहा है। हैव अ गुड डे।